मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2022 के सीजन में अपना पहला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स की टीम के खिलाफ खेलने वाली है और मुंबई इंडियंस की टीम जो डीसी के खिलाफ मैच खेलने वाली है उस मैच में मुंबई इंडियंस की टीम कौन से गेंदबाजों को अपनी टीम में जगह देने वाली है और कौन से खतरनाक गेंदबाज हमें मुंबई इंडियंस की टीम के प्लेइंग 11 में नजर आने वाले हैं। तो उन सभी गेंदबाजों के नाम मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो कि हमें मुंबई इंडियंस की टीम के प्लेइंग 11 में नजर आने वाले हैं। तो ओवरऑल वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आप भी मुंबई इंडियंस की टीम के बड़े फैन तो हमारे इस वीडियो का भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप क्रिकेट और खासकर आईपीएल से जुड़े हमारे कोई वीडियो मिस ना कर पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम की और आईपीएल की सबसे पहले न्यूज पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी और अगर वो लिंक काम नहीं करती है टेलीग्राम चैनल की तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर ले ओनली ऑन क्रिकेट ऑफिशियल, तो वहां पर आपको हम मिल जाएंगे। तो आप जरूर से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं पहले गेंदबाज की जो कि मुंबई इंडियंस की टीम की हमें प्लेइंग 11 में नजर आने वाला है। उस खिलाड़ी का नाम है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह काफी अहम खिलाड़ी मुंबई इंडियंस की टीम के और हम जानते हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम की है रीढ़ की हड्डी है जसप्रीत बुमराह। तो हमें जसप्रीत बुमराह गेंदबाज के तौर पर नजर आने वाले हैं। और अगर दूसरे गेंदबाज की बात की जाए तो उस खिलाड़ी का नाम है जयदेव उनादकट। जयदेव उनादकट को भी इस टीम ने इस मेगा ऑक्शन में से 1,60,00,000 रुपए की प्राइस में इस मेगा ऑक्शन में खरीद कर अपनी टीम में शामिल किया है। तो हमें जयदेव उनादकट भी मुंबई इंडियंस की टीम की प्लेइंग 11 में स्टार्ट से खेलते हुए नजर आने वाले हैं। तो दूसरे गेंदबाज के रूप में हमें जयदेव उनादकट आईएमए की टीम में नजर आने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं तीसरे गेंदबाज की जो कि हमें मुंबई इंडियंस की टीम के प्लेइंग 11 में नजर आने वाले हैं 27 मार्च के दिन जो कि मुंबई इंडियंस की टीम का मैच होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स की टीम के खिलाफ में। उस खिलाड़ी का नाम है डेनियल सैम्स। डेनियल सैम्स एक ऑलराउंडर के तौर पर मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल हुए हैं और मुंबई इंडियंस की टीम ने 2,65,00,000 रुपए देकर डेनियल सैम्स को इस मेगा ऑक्शन में खरीद कर अपनी टीम में शामिल किया है जो कि ये भी हमें स्टार्ट से एमए की टीम की प्लेइंग 11 में नजर आने वाले हैं। और डेनियल सैम्स भी हमें गेंदबाज के तौर पर मुंबई इंडियंस की टीम में नजर आने वाले हैं। हालांकि एक ऑलराउंडर है लेकिन हमें 4 ओवर डालते हुए मुंबई इंडियंस की टीम में नजर आने वाले। तो डेनियल सैम्स हमें तीसरे गेंदबाज के रूप में एमए की टीम की प्लेइंग 11 में नजर आने वाले। और अगर चौथे गेंदबाज की बात की जाए तो उस खिलाड़ी का नाम है बेसल थम्पी। बेसल थम्पी की जगह लगभग तय है मुंबई इंडियंस की टीम की प्लेइंग 11 में क्योंकि रणजी ट्रॉफी में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बेसल थम्पी के रणजी ट्रॉफी के परफॉर्मेंस को देखते हुए मुंबई इंडियंस की टीम में पहला मुकाबला जो दिल्ली कैपिटल्स के साथ में होने वाला है मुंबई इंडियंस की टीम का उस मैच में हमें बेसल थम्पी को भी जगह देते हुए अपने प्लेइंग 11 में नजर आ सकती है। और अगर पांचवें गेंदबाज की बात की जाए तो उस गेंदबाज का नाम है मयंक मार्कंडे। मयंक मार्कंडे ने फिर से वापसी कर लिया मुंबई इंडियंस की टीम में और ये भी हमें एक लेग स्पिनर के तौर पर मुंबई इंडियंस की टीम में नजर आने वाले हैं। मयंक मार्कंडे या हमें राहुल चेहर को रिप्लेस करते हुए नजर आने वाले हैं मुंबई इंडियंस की टीम में। तो हमें मयंक मार्कंडे पांचवें गेंदबाज के तौर पर मुंबई इंडियंस की टीम में नजर आने वाले। तो ये 5 गेंदबाज नजर आने वाले हमें मुंबई इंडियंस की टीम की प्लेइंग 11 में। वैसे आपको क्या लगता है मुंबई इंडियंस की टीम को इन गेंदबाजों में से कौन से गेंदबाज को बाहर करना चाहिए और कौन से गेंदबाज को खिलाना चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।